इसमें बता रहा था कि आमतौर पर इसमें हम इसकी इसमें छेड़ते नहीं साइकिल को, सिंपल सा बात है, क्योंकि इसको छेड़ने से बाल कटते हैं, दोबारा इलाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इश्यूज ये आ रहे थे कि लाइन के अंदर एक सिस्टम में एक इवन गूगल भी पेज लेट मतलब डिले आ रहा था ट्रैकर सब में, ठीक है। जब इसको कैशियर रिक्वेस्ट कर रहा था डीएस की तरफ से, सब कुछ कर रहे थे, तो अर्जेंट इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। इशू ये रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि आगे जो आई एस पी हमारा चल रहा था वो 35 लाख था, ठीक है, 31 लाख था और एक लिंक था हमारे पास ग्रुप में, ठीक है। तो एडिट करके इसकी चौकट छोड़ी इसलिए की जाती, क्योंकि आमतौर पर इसमें नीचे चढ़ रहा होता है टाइम देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने आई पी पुट किए होते हैं अपने आई एस पी के, और गेटवे इसका क्योंकि आई एस पी कौन सा आई पी इसमें डले होते हैं जो जो उसका अगर ऑर्डर हमें एडिट करता है जिसका नेक्स्ट शॉप होता है, ठीक है, नेक्स्ट शॉप होता है, तो वो हमारी बार कम्युनिकेशन रिजॉल्व करवा के हमें जल्दी उसका रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बात करिए करते हैं कि हम थोड़ा सा अपने जो है जो पैटर्न है होप का जो ऑफ आउट हमें नेक्स्ट पे है, अगर वो थोड़ा सा डिले दे रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं मैथड को, ठीक है। चेंज करके क्या करते हैं, या तो हम कोशिश करते हैं गूगल की साइड पर चले जाए, ठीक है ना, कि डिपेंड अपॉन कि नेक्स्ट हॉप हमें जो भी जल्दी से क्यूरी रिजॉल्व करके देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक टेस्टिंग की जाती है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता, लॉन्ग टर्म कभी भी उसको सोल्यूशन नहीं करते ना रिजॉल्व करें, क्योंकि हम अगर गूगल को चेक करते हैं तो उसकी डीटीएल चेक करते हैं तो उसके मिली सेकंड कितने देर में होता है, वहां से चेक करते हैं। तो अगर इसमें आई पी पुट करते हैं गूगल पर और उसके आप कटवर्ड आई पी पुट कर देते हैं इंटरनेट, तो वो जल्दी रिजॉल्व करता है, तो उसके अगर ग्रीन मार्क पहले आता है वो ग्रीन मार्क उसको ऊपर रखता है, जो अगर आपका आई एस पी फाइव पे डरा हो, ठीक है, तो जब वो रिजॉल्व हो जाए वो अगर 3 सेकंड उसे नहीं मिलता तो वो उसका अगर रेड मार्क भी होता है, कहता है इसने जल्दी इसको जो है रिजॉल्व नहीं किया। इट मीन्स के आपने अगर चेक करना हो, क्योंकि बास का ऐसा होता है हमारे इन हाउस में कनेक्टिविटी बिल्कुल रिलायबल चलती होती है, कोई इशू नहीं आता, इशूज बाद का फर्दर बहुत सारे इशूज होते हैं, ट्रोजन भी आ सकता है, कोई और लेटेंसी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो हमारे इन हाउस क्यूरी बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि क्लाइंट चेहरा होता है कभी मेरे नेटवर्क नहीं ठीक आ रहा, मेरा इंटरनेट नहीं ठीक प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो हम इन हाउस की कनेक्टिविटी चेक करते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द एंड क्या होता है आई एस पी के साथ इशूज आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते, वो अपनी गलती मारा किसी जरूरत पर तैयार नहीं होता, नहीं मेरे साथ कोई इशू है नहीं, ये बहुत ज्यादा केस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका उसकी गलती पकड़ना है, उसकी अगर गलती पकड़नी है ना, यहाँ पे आए फॉरवर्डर में आई पी डाल दें, बी एम एल पर डाल दें, फेसबुक पर डाल दें, गूगल पर डाल दें, किसी जिसके आई पी डाल दें आपने, क्योंकि आई पी तो आपको मिल जाता है, पिन करेंगे फेसबुक पर लिखना है उसके नीचे आई पी आता है, वो आई पी कॉपी करके स्कैनर करते हैं, देखिए जो आई पी जल्दी रिजॉल्व होता है, सबसे जल्दी जो आई पी इसमें रिजॉल्व हो गया वो ऊपर आ जाता है, अगर आपका आई एस पी के साइड से इशू आएगा वो नीचे, वो आई पी ऑटोमेटिक वो नीचे करता रहता है, वो कहता है कि मुझे इस तक जाने के लिए बहुत लेट से क्यों रिजॉल्व करना पड़ता है, समझ नहीं चीज़ की। नेक्स्ट टाइम आई एस पी के आगे लेके हाँ नेक्स्ट टाइम आई एस पी का गला पकड़ने के लिए ये आपका सबसे आसान तरीका है, समझ नहीं चीज़ को। मुझे छोटा पर शूट करते कम से कम मुझे 7 दिन लग गए, 7 दिन मैंने मैं कहा जनाब साहब ये आपके साइड से इशू आ रहा है, वो अपने गलती मानने को तैयार ही नहीं था, बात कहता नहीं, फिर उसने आगे से हॉप चेंज की, कहता है चेंज करे गेट में मैं चेंज करवाया, मैं कहा ठीक है। आपस में ये आपको सर अगर आई एस पी जो है वो आगे भेज नहीं रहा रिक्वेस्ट पे, वो आगे नहीं जा रहा, आई एस पी की साइड से निकल जरूर रही है, लेकिन जिस गेट से हमारी ट्रैफिक गुजर रही है ना उस जो आगे राउटर लगा हुआ है जो भी हमें जो ट्रैफिक पास कर रहा है उसके अंदर इशू है, उसके अंदर क्यों इशू है कि वो जब ट्रैफिक वहाँ से पास हो रही है उसको बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है, जब उसे बाहर से भी ट्रैफिक उसके गेट के अंदर से गुजरती है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डिले है, हम कोई और अगर पास यूज़ करते हैं तो वहाँ से ट्रैफिक फ़ौरन पास होती है, लेकिन जब उसके गेट से गुजरती है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिले हो, समझ क्योंकि हम जिस इस कंट्री की अपनी बात करें तो ये तो हमारे लिए नॉर्मल इशू है, ये नॉर्मल इशू है, अगर हम एडिशन की बात करें ठीक है तो उसके साइड तो हमें नॉर्मल इशू फेस करने को मिलते ही नहीं, मैं ये बात बता रहा सिर्फ ना जिस तरह जो नॉक पे जो पर्सन बैठा था नॉक उस पर्सन के लिए भी रिजॉल्व करना बड़ा ईजी थी, अगर नॉक से साइड से भी इशूज ठीक आ रहा है वो कहता है कि मुझे तो ठीक समझ आ रही है,
लेकिन आपने सिस्टम साइड पर बैठे सर्वर बैठे आप कहते यार देखो ये मसला इसमें है इसमें चेक करवाओगे सर। अब ये है रूट एंड सर्वर्स ठीक है, ये रूट एंड की लिस्ट है ठीक है। इसमें IPv6 11 इसमें आपको नहीं मिलते हैं, 2 इसमें आपको IPv6 मिलते हैं ठीक है। ये रूट एंड सर्वर्स होते हैं जहां पे आपकी क्यूरी सबसे पहले जाती है ठीक है। अच्छा सर इनकी IP स्कैन नहीं होगी कभी भी? होते हैं। तो फिर क्या ये जब हम अपडेट कर रहे होते हैं अपनी विंडोज OS तो उस वक्त ये अपडेट हो जाता है? iOS आप नया लेते हैं iOS इंस्टॉल करते हैं ना ये ऑटोमेटिकली उसको खुद से चेंज कर देता है, ये ऐसा नहीं कर रहा है चेंज करते हैं नहीं। अगर कभी IP चेंज हो जाती है तो फिर किस तरह ये होगा? अभी अगर IP चेंज हो जाता है ये देखें अगर आप अभी IP चेंज करनी हो ठीक है तो वो सबसे पहले आना अपने वेंडर्स को भेजते हैं कि ये हमारा नया IP है, जब आप iOS अपना बना रहे हैं तो उसके रूट हेड में ये IP हमें पुट करते हैं ठीक है। यहाँ पे IP तब तक चेंज नहीं होता जब वो iOS नया हम इंस्टॉल करेंगे वो उसमें ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर देंगे, लेकिन तब तक ये इस पर क्यूरी नहीं कर रही ठीक है। उसके बाद इसमें लॉग्स में आ रहे हैं ठीक है, ये लॉग्स हैं सारे के सारे ठीक है। जिस हिसाब से इसमें लॉग्स को रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं ठीक है, लॉग्स को पास रखना चाहते हैं तो लिख लें मॉनिटरिंग वगैरह के लिए था मॉनिटरिंग के इवेंट व्यूअर में ठीक है ये सारे